लालू की बेटी मीसा भारती को लगा जोर का झटका। ईडी ने मीसा भारती के फार्म हाउस को किया अटैच। आरजेडी प्रमुख लालू यादव की बेटी मीसा भारती की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बेनामी संपत्ति मामले में जांच एजेंसियों के रडार पर चल रही मीसा भारती पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बड़ी कार्रवाई की है। खबर के मुताबिक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लालू की बेटी मीसा भारती और दामाद शैलेश के फार्म हाउस को जब्त कर लिया है। ये फार्म हाउस दिल्ली में पालम के बिजवासन इलाके में है। ईडी के इस कार्रवाई के बाद दोनों अब इस फार्म हाउस का किसी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों पर ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई है। आरोप है कि मीसा भारती ने फर्जी कंपनियों के जरिए काले धन को सफेद बनाकर इस फार्म हाउस को खरीदा था। आरोपों के मुताबिक मीसा और शैलेश की कंपनी मिशेल में चार शेल कंपनियों के जरिए पैसा आया था और उसी पैसों में दिल्ली में 26 पालम फार्म हाउस खरीदा गया। इस फार्म हाउस के कागजों में कीमत करीब 1,41,00,000 रुपए है, जबकि इसकी मौजूदा कीमत करीब 50 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति मामले में लालू की बेटी मीसा और दामाद शैलेश पिछले काफी समय से CBI, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी के रडार पर है। ईडी ने इसी सिलसिले में 8 जुलाई को मीसा और शैलेश के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। बताया तो ये भी जा रहा है कि साल 2008 से 2009 में फर्जी कंपनियों के जरिए मीसा और शैलेश के पास करीब 1,20,00,000 रुपए आए थे। ये पूरा मामला तब का बताया जा रहा है जब लालू यादव केंद्र में रेल मंत्री थे। जाहिर है ईडी की इस कार्रवाई के बाद अब मीसा और शैलेश के साथ ही लालू यादव की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।